बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खानादारी। आज हम बनाएंगे लच्छेदार रबड़ी, बहुत ही लजीज रबड़ी, जो कि लाहौर की, पाकिस्तान की सबसे फेमस रेसिपी है। ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रबड़ी हम आज इस वीडियो में बनाएंगे, तो आपने हमारे साथ रहना है। बादाम और पिस्ते के साथ हम इसको सर्व करेंगे, बहुत ही मजेदार। आप इसको करके जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की आपको ये रबड़ी कैसी लगी। तो हम जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम ऑन कर लिया है और इसमें अब हम शामिल करेंगे फुल फैट 2 लीटर मिल्क। लीटर दूध हमने इसमें डाल दिया है, दूध को बॉयल करना है। हाई फ्लेम पे हमने दूध को बॉयल कर लिया है, अब हम इसका फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और रबड़ी को हम 1 घंटे के लिए हल्के बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। और जो ही इसके ऊपर बलाई आती जाए तो बलाई को हम चम्मच की मदद से पैन के साथ लगाते जाएंगे। बलाई को आप किनारों के साथ लगाएंगे तो ही आपकी रबड़ी जो है वो लच्छेदार मजेदार सी तैयार होगी। दम वाले फ्लेम पे हमने इसको रख दिया है, 1 घंटे में हमने इसको देखना है और वक्फे वक्फे से जो बलाई ऊपर आती जाएगी वो हम किनारों से लगाते जाएंगे। हमने इसको कुक करना है कि ये हमारा दूध जो है वो 1 लीटर रह जाए, बिल्कुल आधा दूध रह जाए। हमने 2 लीटर दूध लिया था और अब उतना हमने पकाना है कि हमारा दूध जो है वो बिल्कुल आधा रह जाए। तो 1 घंटे के बाद हमने वक्फे वक्फे से जो बलाई है वो किनारों के साथ लगा ली है। ये प्रोसेस तकरीबन 3 से 4 बार हमने किया है। बिल्कुल आधा रह गया है। अब हमने जो इसके किनारों के साथ बलाई लगाई थी हम उसको स्पैचुला की मदद से इसके अंदर उतार के डाल देंगे। किनारों से सारी बलाई जो है वो हम उतार के कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। माशाल्लाह से इसके बलाई के बहुत अच्छे लच्छे तैयार हुए हैं। कलर भी चेंज हो चुका है, बिल्कुल हमारा रबड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने मलाई को एक साइड पे अभी करें और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 कप चीनी। हल्के हाथों से हम इसका चम्मच चलाते जाएंगे और चीनी को मिक्स करेंगे। इसी के साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच पाउडर और इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से किनारों से इसको उतार ले। अब हम लास्ट में इसमें शामिल करेंगे अपने नट्स। नट्स में आप कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, बादाम, काजू और इसके अलावा पिस्ता है। मैं पिस्ता और बादाम कट किए हुए इसके ऊपर इसके अंदर डाल दूंगी। कुछ हम बचा लेंगे जो हम सर्विंग करते हुए इसके ऊपर डालेंगे। हल्के हल्के इसको हिला लें और अब हम इस फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और अब हम इसको डालेंगे अपने अच्छे से एक प्यारे से बाउल में और बाउल में डाल के हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मजेदार से रबड़ी हमारी रेडी है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।
अब हमने इसको एक बाउल में डाल लिया है अपनी रबड़ी को। ऊपर से हम बादाम डालेंगे, पिस्ता डालेंगे और बहुत ही मजेदार सी रबड़ी रेडी है और बहुत ही खूबसूरत लुक इसकी लग रही है। आज की आप वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।